हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल इंग्लिश माध्यम इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है उसी कड़ी में आज नेक्स्ट सेशन है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे दैट इज बी स्ट्रॉगर देन योर एक्सक्यूजेस यानी कि कोई भी आप काम करना चाहते हैं या आपके काउंटर पार्ट्स वो काम कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं बस इसी वजह से कि आप हो सकता है फेलियर से डर रहे हो तो उससे बेटर है कि आपने अपने आप को यही साबित कर दिया कि मेरे पास टाइम ही नहीं है या मैं करना ही नहीं चाहता ठीक है कि फेलियर फेस करना पड़े उससे बेटर है कि मैं यही कह दूं कि मैं करना ही नहीं चाहता मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में जबकि अंदर अंदर से आपको पता है कि आप भी वो करना चाहते हैं ठीक है ठीके? तो उन एक्सक्यूजेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें अपने रास्ते का रोड़ा ना बनने दें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए कि आप उन एक्सक्यूजेस को ओवरकम कर सकते हैं ठीक है तो पैसेज ऑलरेडी शीतल मैम द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है जो पैसेज है उसका जस्ट मैं आपको बता देती हूँ जो सिलकन वैली बैंक है ठीक है जिसमें ज़्यादातर सिलिकन वैली की जो स्टार्टअप्स है या आईटी टी फॉर्म्स हैं उनका पैसा इन्वेस्टेड है वो बैंक हो गया है शटडाउन ठीक है शट डाउन क्यों हुआ उसके कारण बहुत सारे थे कि उनने यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करा हुआ था उन्हें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा हुआ था लोगों को रिझाने के लिए ठीक है वहां उनके शेयर्स खरीदे हुए थे बहुत सारे जेड रीजंस है ठीक है तो उसके बेस पे क्या हुआ लोगों का विश्वास बैंकिंग से उठ गया कि अब हम अब जैसे आप जैसे नीरव मोदी जी जब पैसा लेकर गए थे ठीक है इतना सारा तो पीएनबी के ऊपर कितने सारे सवाल उठ गए थे लोगों ने कितना सारे लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज दिखाए थे कि अब हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें इनफैक्ट आज की डेट में भी हमारा एक लाख तक का अगर बैंक में पैसा है तो उसकी ही सिक्योरिटी है एक लाख से ऊपर अगर दो लाख है तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है।, है ना सरकार भी बैंक ने साफ ये चीज डिक्लेयर करी है कि अगर इससे ज्यादा आपका पैसा बैंक में है तो अब बताओ घर पर नहीं रख सकते वहाँ नहीं रख सकते गोल्ड हम इतना ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि वो भी लेंगे तो रखना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा वो भी घर पर नहीं रख सकते पैसा कहाँ रखें है ना ये क्वेश्चन दिमाग में आता है वैसे ही वहां के लोगों के दिमाग में अलग है कि अगर हम बैंक में पैसा हम डालेंगे अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं बैंक में हम पैसा डाल के सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए अगर वहां पे भी सेव नहीं है पैसा तो फिर हम कहाँ रखें पैसा ठीक है तो उनके दिमाग में ये सब चीजें चल रही है इसी को ओवरकम करने के लिए जो फेडरल बैंक है उसने क्या किया उसने टेक ओवर कर लिया दो बैंक्स के ऊपर पहला है सिलिकन वैली बैंक और दूसरा है सिग्नेचर बैंक ठीक है इन दोनों के ऊपर टेक ओवर करा अब इन दोनों के ऊपर टेक ओवर करने का मकसद ये था कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनको सुनिश्चित किया जा सके कि आपका पैसा सेफ है और जो भी ये फ्रॉड या फेलियर हुआ है वी आर लुकिंग इनटू द मैटर और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बैंकिंग से अपना विश्वास उठाने की जरूरत नहीं है हम जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे ठीक है ये उनका कहने का पर्पज था अब उसी कड़ी में इंडियन जो ऑथर हैं उनने आर को और इंडियन बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा सा समझाया है कि आप लोग भी देखो थोड़ा सतर्क हो के चलो जरूरी नहीं है कि उनको ठोकर लगी अब हम वेट करें कि हमें ठोकर लगेगी हम गलती करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का फ्रॉड फेलियर होगा उसके बाद हम एक्शन लेंगे तो बेटर है टू तो बी सेफर साइड हम यूएस का जो बैंकिंग सेक्टर फेलियर हुआ है ये इतना बड़ा उससे सीखें और अभी से ही एक्शन प्लान एक बना लें ठीक है तो उसका उनका कहने का पर, पर्पज है कि हम उनकी मिस्टेक से लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स बेटर टू मेक आर ओन मिस्टेक्स ठीक है ये उन्हें सजेस्ट करा उनने अप्रिशिएट भी करा इस बात को कि आर ने ऑलरेडी इन्फ्लेशन रिजर्व मेंटेन करने के लिए सारे बैंक्स को कहा हुआ है ठीक है और ये आज का नहीं काफी टाइम पहले का कहा हुआ है ठीक है तो उसकी उन्होंने सराहना करी कि इन्फ्लेशन रिजर्व मेंटेन कर रहे हुए हैं के uh, के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग नॉर्म्स लेकिन उन्होंने बोला कि ये काफी नहीं है ठीक है ये इन्फ्लेशन रिजर्व मेंटेन करना काफी नहीं है और एक्शंस की जरूरत है ठीक है तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं वट वॉज द रीजन फॉर इन्वेस्टर्स टू मेक अ बी लाइन फॉर सेफ हेवन सच एज गोल्ड अब वो बोल रहे हैं कि क्या कारण है कि अब इन्वेस्टर्स जो है कतार में लगे हुए हैं कौन सी कतार में कि सेफ हेवन एसेट्स सेफ हेवन एसेट्स वो होती हैं जो एसेट्स का पैसा आज नहीं तो कल बढ़ता ही है वो लंबे टाइम तक तो बढ़ता ही रहता है जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड गोल्ड में हम आप लोगों को पता है हमारी दादी नानी वगैरह सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं अगर उनको बोले भी कि आप हम जैसे आज की जनरेशन है गोल्ड नहीं पहनते हर शादी फंक्शन में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं लेकिन फिर भी पेरेंट्स क्या बोलते हैं गोल्ड ले लो गोल्ड ले लो क्यों बोलते हैं क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है उसका पैसा बढ़ना ही बढ़ना है ठीक है कम नहीं होना तो इसलिए वो सेफ हेवन एसेट कहा जाता है गोल्ड ओके तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस तरफ जा रहे हैं वापस से ठीक है क्या कारण है द फेलियर ऑफ बैंक ऑन द यूएस वेस्ट कोस्ट कि यूएस वेस्ट पोस्ट में बैंक का फेलियर हुआ बिल्कुल सही यही कारण है कि वहां पे बैंक फेल हुआ है इसी वजह से अब लोग जो है सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जा रहे हैं यानी कि एसेट्स बनाने की तरफ जा रहे हैं अब प्रॉपर्टी ले लो पैसा डूबने वाला नहीं है आप गोल्ड ले लो पैसा डूबने वाला नहीं है लेकिन आप बैंक में डालोगे तो गॉड नोस बैंक ही फेल हो जाए फिर ठीक है द अनाउंसमेंट ऑफ टाइटेंड रेगुलेशन फॉर बैंक कि बैंक्स के लिए टाइटेंड रेगुलेशंस यानी कि सख्त नियम और अधिनियम बनाए जा रहे हैं इसके अनाउंसमेंट की वजह से लोग उस तरफ जा रहे हैं ऐसा भी नहीं है ये तो बल्कि अच्छी बात है कि अगर बैंक्स के लिए और सख्त कानून बनाए जाएंगे तो हमारा पैसा और ज्यादा सेफ होने के चांसेस हैं ठीक है द टेक ओवर ऑफ सिग्नेचर बैंक बाय द एफ डी आई सी बोल रहे हैं जो सिग्नेचर बैंक को वहां के फेडरल बैंक कॉरपोरेशन ने जो टेक ओवर कर लिया इस वजह से बल्कि फेडरल कॉरपोरेशन का टेक ओवर करने का पर्पस ही यही था कि लोगों को सुनिश्चित किया जाए कि आप बैंकिंग सेक्टर से विश्वास मत खोइए वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट और हम पूरा रेजोल्यूशन निकालेंगे ठीक है तो ये भी रीजन नहीं है द इन्वेस्टमेंट इन द इन अ पोर्टफोलियो ऑफ यू एस ट्रेजरीज एंड मोर्टेज बैंक बॉन्ड्स अब ये तो ये तो गलती करी है जो सिलिकन वैली बैंक है उसकी जो इनिशियल फाइंडिंग्स है उसमें ये गलती सामने आई है गलती नहीं कह सकते उनने तो इन्वेस्टमेंट करा था वहां पे अगर कुछ फेलियर हुआ है तो उसमें उनका कसूर नहीं है बट उनने अच्छा करने की कोशिश करी थी पर वो कह रहे हैं कि इन, जो यूएस ट्रेजरीज में उनने इन्वेस्ट करा या मोर्टगेज बॉन्ड्स में उन्होंने इन्वेस्ट करा उस वजह से अब लोग ज्यादा बैंकिंग उसकी तरफ जा रहे हैं सेफ हेवन एसेट्स की तरफ तो ऑप्शन ए इज करेक्ट विच टू बैंक्स वर टेकन ओवर बाय रेगुलेटर्स इन यू एस टू बोलस्टर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम बोल रहे हैं कौन से दो बैंक है जिनको रेगुलेटर्स ने टेक ओवर करा है ताकि यहाँ की जनता का जो विश्वास है उसको बॉल मतलब मजबूत किया जाए स्ट्रेंथन किया जाए मजबूत स्ट्रांग किया जाए ठीक है किसके ऊपर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो भरोसा उनको खोया है उसको मजबूत किया जाए मतलब उसको वापस रिगेन किया जाए तो दो बैंक हैं सिलिकन वाली बैंक और सिग्नेचर बैंक हम डिस्कस कर चुके हैं सिलिकन वाली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक ऑप्शन ए इज करेक्ट ट व रीजन बिहाइंडर ऑफ सिलिकन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक देखो सिलिकन वैली बैंक ने बहुत ज्यादा अपने आपको एक्सपोज कर दिया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और यूएस पोर्टफोलियोज में उन्होंने इन्वेस्ट करा ठीक है और जो जो ये बैंक है सिग्नेचर बैंक है सॉरी सिलिकन वैली बैंक ने यूएस ट्रेजरीज और मोर्टेज बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करा और सिग्नेचर बैंक ने क्रिप्टो uh, करेंसी में इन्वेस्ट करा ठीक है तो वही हमने देखना है सिलिकन वैली बैंक एक्सपोज टू इल क्रिप्टो करेंसी सिलिकन वैली ने क्रिप्टो करेंसी में नहीं इन्वेस्ट करा है उसने इन्वेस्ट करा यूएस ट्रेजरीज और मोर्टगेज में तो यहां पे सिग्नेचर बैंक को उल्टा बता दिया है और सिलिकॉन बैंक का उल्टा तो ये गलत हो गया बोथ बैंक इन्वेस्टेड

क्योंकि उन्हें हाईली वॉलिटाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा था इसलिए हुआ है तो ये तो बिल्कुल गलत है द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन डिड नॉट टेक एनी एक्शन टू बोलस्टर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम आफ्टर द रिसेंट बैंक फेलियर्स ये भी गलत है ठीक है क्योंकि उन्होंने तो एकदम इमीडिएट चार दिन के अंदर अंदर एक्शन हुआ है चार दिन के ठीक है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑफ 2018 एटीन हेल्प इंडियन लीडर्स लेंडर्स टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क देखो 2000 मैंने बात करी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में गाइडलाइंस बनाई थी ठीक है जिसमें इंडियन लेंडर्स को इंसुलेट किया गया है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से ये किस वजह से हुआ है जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन रिजर्व बना के रखने के लिए हर एक बैंक को कहा गया है ये उसी के बेसिस पे जो इंटरेस्ट रेट्स का रिस्क है वो नहीं बढ़ रहा है ठीक है ये उसी वजह से हुआ है और ये गाइडलाइंस कब आई थी 2018 में और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग द फेलियर ऑफ सिलिकन वैली बैंक वॉज कॉज बाय अ रन ऑन डिपॉजिट्स एंड इट्स एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी कि उनके डिपॉजिट्स खत्म हो गए ठीक है और उसके बाद भी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा तो ये भी गलत है क्योंकि सिलिकन वैल वैली बैंक का क्रिप्टो करेंसी में हाथ नहीं है उसका हाथ है मोर्टेज uh, बॉन्ड्स में और यूएस द ऑथर डिस्क्राइब द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द रिसेंट बैंक फेलियर्स उनने बोला बहुत इमीडिएट एक्शन लिया और जनता को भरोसा दिलाने वाला एक्शन लिया ठीक है यही उन्होंने कहा कि यूएस गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया बहुत सही लिया एकदम फास्ट लिया ठीक है इनकॉम्पिटेंट एंड स्लो कि वो कारगर नहीं है और बहुत ही सुस्त है भाई चार दिन के अंदर एक्शन लिया है कौन करता है ऐसे ठीक है तो ये तो गलत हो गया कन्फ्यूज एंड इनड कि उससे इन इफेक्टिव मतलब बड़ा ही उलझा देने वाला है कि अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उन पक्ष में लिया है हमारे फेवर में लिया है अपने को बचाने के लिए है बैंक्स को बचाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कन्फ्यूज है और इन इफेक्टिव है कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा तो ऐसा भी नहीं है ये भी गलत है स्विफ्ट एंड रीअश्योरिंग बहुत ही स्मूथ था बहुत ही तेज था जल्द था और रीएश्योरिंग वापस विश्वास जगाने वाला था बिल्कुल सही ठीक है डिसऑर्गेनाइज एंड क्योटिक कि उनके स्टेप्स ही क्लियर नहीं है डिसऑर्गेनाइज है पहले उनको क्या करना चाहिए था उन बाद में किया बाद में करना चाहिए था पहले कर दिया ठीक है और केयटिक है मतलब बड़ा ही उथल उलझा हुआ सा है उथल पुथल हो रखी है समझ में नहीं आ रहा ठीक है तो वो भी नहीं है इनका एक्शन है स्विफ्ट एंड रीअश्योरिंग ऑप्शन सी इज करेक्ट The passage? Passage कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बैंकिंग सिस्टम में ठीक है वही उन्ही स्टेप को डिस्कस किया गया है तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है द यूएस बैंकिंग सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ क्राइसिस की यूएस बैंकिंग सिस्टम क्राइसिस की स्टेट में नहीं है आज नहीं है हो सकता है चार दिन पहले था लेकिन आज नहीं है यूएस गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम है यूएस गवर्नमेंट ने कड़े कदम उठाए हैं कि लोगों का बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा वापस हासिल किया जा सके ठीक है बिल्कुल सही रिसेंट बैंक फेलियर्स इन यू एस है जो रिसेंट बैंक फेलियर्स हुए यूएस में उनसे ग्लोबल मार्केट कंसर्न्स हो गए मतलब ग्लोबली जो है हर एक देश के जो शेयर बाजार है या जो भी बैंकिंग सिस्टम है उनमें चिंता का भाव जाग गया है तो हो सकता है बट इस पैसेज की थीम ये नहीं है ठीक है द फेलियर ऑफ सिलिकन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक वॉज कॉज बायनिट्री टाइटनिंग बोले सिलिकन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक जो फेल हुआ है ना वो मॉनिटरी टाइटनिंग की वजह से हुआ है बल्कि हमने देखा है कि उसके उसके नतीजे के तौर पे मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ रही है अब ठीक है पहले भी की है पर वो इन्फ्लेशन की वजह से की है लेकिन अब उनको और ज्यादा इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है तो ये भी गलत है सो ऑप्शन बी यूएस गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम इज करेक्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ इट रिलाइड रिलायड ऑन इट्स इनेट ग्रिट

कि जो ये स्क्रिप्ट है कि कम फ्रॉम बिहाइंड की मतलब एकदम लास्ट से ऊपर आगे या फिर जो अंडरडॉग था वो एकदम ऊपर टॉप मोस्ट रैंकर बन गया ठीक है उसको उन्हें साबित कर दिखाया कैसे कि उन्होंने इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल्स में हराया माइटी ऑस्ट्रेलिया को उन्हें सेमी फाइनल्स में हराया और 2018 के चैंपियन बेल्जियम को उन्हें फाइनल में हराया ठीक है जर्मनी अब देखो इट रिलायर्ड ऑ ऑन यानी कि ये किसी चीज ऐसी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं तो यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा पैसेज ठीक है जर्मनी विच हैड क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप बाय बीइंग रनर अप इन द यूरो हॉकी चैंपियनशिप पूरे जर्मनी जो कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए वो सिर्फ यूरो हॉकी कप चैंपियनशिप में रनर अप रहा था यानी कि फर्स्ट भी नहीं आया था रनर अप रहा था ठीक है हैड लॉस्ट टू इंडियन टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल मैच इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन दो हजार इक्कीस में टोक्यो ओलंपिक्स में वो इंडिया के हाथों ब्रॉन्ज मेडल के लिए हार गए थे ठीक है वॉज नॉट अमंग द फेवरेट्स और वो इस, इस जो गेम का फॉर्मेट जो इस बार हो जिसमें वो जीते हैं उसमें वो फेवरेट्स भी नहीं थे फेवरेट्स का मतलब ये नहीं कि उनका कोई पक्षधार नहीं था या उनको कोई पसंद नहीं कर रहा था ऐसा नहीं फेवरेट्स का मतलब यह है कि जब, आ, टी ट्वेंटी स्टार्ट हो रहा होता है तो आपको पता है कि जो फाइनल मैच होंगे अभी तक के प्लेयर्स से और प्लेयर्स की इस साल की अब करंट परफॉर्मेंसेस को देख के आपको पता है कि फाइनल में अंदाजा है कि फाइनल में कौन सी चार या पांच टीम्स आ सकती हैं ठीक है थीके? आपको अंदाजा है पहले से उस लिस्ट में जर्मनी का नाम कहीं नहीं था यानी कि वो फेवरेट्स नहीं थे उनको कोई भी जीतने का हकदार नहीं समझ रहा था कि उनको नहीं सोच रहा था कि वो इस लेवल तक आ पाएंगे ठीक है इंसिडेंटली जर्मनी हैड क्लेम्ड इट्स लास्ट मेजर टाइटल और बोल रहे देखा जाए तो जर्मनी की पिछली सबसे बड़ी जीत जो थी वो थी द ट्वेंटी फोर्टीन चैंपियंस ट्रॉफी एट ओडिशा कैपिटल ओडिशाज कैपिटल वो कब थी 2014 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ओडिशा की कैपिटल सिटी में ठीक है द मॉडर्न पार्ट ऑफ सिटी जर्मन डिजाइंड इन नाइनटीन इन 1946 वो भी उस शहर में जिसका जो आज का मॉडर्न पार्ट है वो जर्मन आर्किटेक्ट है ओटोकोनिक्सबर्ग उनके द्वारा डिजाइन किया था कब 1946 में ठीक है डाई होम होनमस इक्वल्ड ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड ट्रिपल क्राउंड एंड रिमेन्ड वन बिहाइंड पाकिस्तान बोल रहे ये जो देश है जर्मनी ठीक है उसने ये उसने अब ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बराबरी कर रखी है तीन तीन ट्रॉफीज की ठीक है यानी कि इनके पास भी अब तीन वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हो चुकी हैं और इसके पहले और किसके किसके पास है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के पास है

जो 2002 और 2006 की चैंपियन रह चुकी है जर्मनी उसने तीसरी बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप अपने नाम किया कलिंगा स्टेडियम में ठीक है यानी कि हमें पता चल गया मैच कहा हुआ अब ये क्या है ये इनिशियल स्टेटमेंट है क्योंकि ये स्टार्ट कर रहे हैं बेस से कि जर्मनी का भुवनेश्वर के साथ कनेक्शन जुड़ गया और मजबूत हो गया कैसे हो गया क्योंकि उन्हें तीसरी बार यहीं पर अपनी ट्रॉफी अपने नाम करी है ठीक है तो टी हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इसके बाद चलते देखते हैं जो देखा गया कि जर्मनी की इससे पहले की बड़ी जीत कब हुई 2014 में हुई वो भी उड़ीसा में हुई थी ये दूसरा कनेक्शन बता दिया उड़ीसा के साथ में उनका और वो कब था आ, और जो कि डिजाइन भी एक जर्मन आर्किटेक्ट के द्वारा किया है तो आर हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट ठीक है उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने तीन तीन, तीन ट्रॉफिया अपने नाम कर ली हैं ठीक है थीके? तीन तीन ट्रॉफी कैसे अपने नाम कर रही है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बराबरी कर ली और पाकिस्तान जो है उससे एक ट्रॉफी पीछे है तो ये होगी थर्ड स्टेटमेंट इसके बाद बात करते हैं कि वो बता रहे हैं कि जर्मनी कैसे कैसे क्वालिफाई किया था ठीक है तो वो क्वालिफाई रनर अप रहकर किया था ओके तो ये गई हमारी फोर्थ स्टेटमेंट और पी हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट ठीक है यानी कि टी आर एस क्यूपी टी आर एस क्यू पी ये हमारी स्टेटमेंट्स बन रही हैं अब कहां है देखो ये पी से स्टार्ट हो रहा है ये एस से स्टार्ट हो रहा है ये पी से ये तो कैंसिल आउट हो गए ठीक है दो स्टेटमेंट्स बनी जो टी से स्टार्ट हो रही हैं ये दोनों अब इसमें टी एस पी क्यू आर आ रहा है और इसमें टी आर एस क्यू पी आ रहा है ऑप्शन डी इज करेक्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बिन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर ऑल्टर सजेस्टेड सिलेक्ट दि बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव अगर एक्टिव है तो उसको पैसिवॉयस में बनाना है अगर पैसिव वॉयस में है तो उसको एक्टिव वॉयस में बनाना है ठीक है ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्की ऑन द स्नो ई रोड कि वो गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि गाड़ी स्नो के ऊपर स्किड कर गई ठीक है तो अब यहाँ पे ही वोज ड्राइविंग एक्टिव स्टेटमेंट है एक्टिव वॉइस में है क्योंकि जो पर्सन है वो उसका एक्शन कर रहा है ठीक है अब इसको पैसिव में बनाना है तो जो कार है वो किसी द्वारा चलाई जाएगी ठीक है और कैसे चलाई जाएगी फास्ट चलाई जाएगी किस तरीके से इतनी फास्ट कि वो स्नोक पे स्किड कर गई ओके तो अब देखते हैं आगे चलते हैं

ठीक है तो हमने ऊपर भी देखा कि वो कार इतनी तेज चला रहा था तो वो कंटिन्यूएशन में था कि चला रहा था ठीक है और यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन में आएगा ओके okay? कि कार उसके द्वारा इतनी तेज चलाई जा रही थी फाइन तो यहाँ पे आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूएस में हमने चलाना है करना है और जो कार है वो चलानी है ठीक है तो द कार वॉज बींग ड्रिवन बाय हेम सो फास्ट दैट इट्स केडेड ऑन द स्नोई रोड ऑप्शन सी इज करेक्ट आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी वॉट टू डू मुझे ऐसे मुझे लो, ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है ठीक है आप मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है मुझे ये चीज सुनना भी पसंद नहीं है कि मुझे क्या करना है आपके द्वारा ठीक है मैं जानता हूं मुझे क्या करना है ओके okay? तो अब मुझे बताया जाना पसंद नहीं है ठीक है तो आई डोंट लाइक बींग टोल्ड वॉट टू डू ठीक है यानी कि पीपल टेलिंग मी वॉट टू डू इज अ मेजर इशू फॉर मी ओके अब देखते हैं आई डोंट लाइक इट वेन पीपल आर टेलिंग मी वॉट टू डू नहीं गलत है ठीक है आई डोंट लाइक बींग टोल्ड टेल का पीपल टेलिंग मी को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया बींग टोल्ड ठीक है कंटिन्यूएशन में कि हम मुझे अभी भी पसंद नहीं है ऐसे नहीं कि मुझे पास्ट में पसंद नहीं अभी भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे बताया कि मुझे क्या करना है ठीक है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट

तो अगर आपको कोई याद दिला रहा है जैसे सपोज करो कि आपकी मम्मा मार्केट गए हैं ठीक है थीके? आपने उनको बोला था कि मम्मा मेरे लिए ना ए फोर साइज की पंद्रह शीट्स ले आना लेकिन आपको लग रहा है कि मम्मी भूल ना जाए तो आप क्या फ़ोन करके क्या बोलोगे मम्मा पंद्रह शीट्स ए फोर साइज़ की लाना भूलना मत यही बोलोगे डोंट फोगेट टू ब्रिंग दी ए फोर साइज शीट्स फिफ्टीन इन नंबर्स यही बोलोगे ठीक है या फिफ्टीन ए फोर साइज शीट्स यही चीज़ बोलोगे डोंट फोगेट तो आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है जॉन फादर सेड रिमेंबर योर अम्ब्रेला जॉन आगे क्वेश्चन मार्क जॉन के पापा ने कहा रिमेंबर योर अम्ब्रेला तुम्हें अपना अम्ब्रेला याद है जॉन ठीक है नहीं ऐसे नहीं कहा होगा हमने इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में बदलना है इज योर अम्ब्रेला जॉन उसको अम्ब्रेला पकड़ाया उनने पकड़ाया नहीं उसको याद दिलाया ठीक है तो याद दिलाना उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा फॉरगेट आर यू गोइंग टू टेक योर अम्ब्रेला और नॉट तुम अपना अम्ब्रेला लेकर जाने वाले हो या नहीं लेकर जाने वाले हो इसमें उन्होंने याद तो नहीं दिलाया वो तो उससे पूछ रहे हैं कि तुमने लेकर जाना है नहीं लेकर जाना है ठीक है डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला जॉन सेड हिज फादर ठीक है कि अपना अम्ब्रेला लेकर जाना भूलना मत और यही होता है याद दिलाने का मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ही सेड ही टुक टी इन द मॉर्निंग उसने कहा कि उसने सुबह चाय ली थी ठीक है तो अब सुबह चाय ली थी ठीक है ली उसने ले ली है सुबह चाय अब इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे ही सेड दैट ही डिड टेक टी इन द मॉर्निंग कि उसने कहा कि उसने सुबह चाय ली थी ठीक है He said that he had taken tea in the morning. उसने कहा कि उसने सुबह चाय ली थी ठीक है तो यहाँ पे had हाँ taken आएगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट

गुड या स्किलफुल ठीक है ये होता है निफ्टी का मतलब टर्न स्टाइल का मतलब होता है अ बैरियर एट द एंड ऑफ एट द एंट्री ऑफ अ बिल्डिंग वेनडेटा का मतलब होता है कि एक इस तरीके की प्रथा जिसमें लड़ाई झगड़े के बाद में जैसे सपोज करो लड़ाई झगड़े में किसी की डेथ हो गई या कोई इंजर्ड हो गया तो उसकी फैमिली मेंबर्स उसके साथ में बदला ले सकते हैं वो होता है वैन और रिबेल तो आपको पता ही है विद्रोही ठीक है किसी भी तरीके का हो सकता है वो तो टर्न स्टाइल इज द करेक्ट ऑप्शन थिंग्स विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर वो चीजें जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग नेचर की चीजें मिली हुई हों ठीक है इनकारनेशन इनकारनेशन का मतलब होता है कि मैजिक स्पेल से चेंज करना प्लेसड होता है कुछ लोग प्लेकर्ड भी बोलते हैं प्लेसड होता है जैसे uh, एक बोर्ड सा नहीं जब धरने पर जाते हैं लोग तो वो एक बोर्ड सा बना के हाथ में तख्ती सी ले लेते हैं उसके ऊपर कुछ लिखा होता है वो होते हैं प्लेस ठीक है इन का अपने आप में ही मतलब है एक से अधिक है ना तो एक से अधिक तत्व है इसमें इसको क्या बोलते हैं थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर और इन्वोकेशन इन्वोकेशन मतलब होता है कि भगवान से प्रार्थना करना कि हमारी मदद करो ठीक है और ये किसका पार्ट है किसी रिलीजियस सर्विस का पार्ट है उसको बोलते हैं इन्वोकेशन ठीक है तो हेट्रोजेनस इज द आंसर जैसे कि कि हेट्रो यानी दो अलग अलग सेक्स इन्वॉल्व है मैरिज में होमोसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स इन्वॉल्व है मैरिज में ठीक है कल के आर्टिकल में ही हमने देखा था हेट्रोजेनस मैरिज हेट्रो सेक्शुअल मैरिजेस के बारे में तो हेट्रो अपने आप में ही एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इस तरफ इशारा करता है चूज The alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. He was often in the eye of storm. Storm for con congressional debates related to U.S. troop withdrawals from Vietnam. वो ज़्यादातर in the eye of storm का मतलब होता है मुसीबत में घिरा रहना ठीक है मुसीबतों में जूझना uh, मुसीबत में फंस जाना तो बोल रहे कि स्टोम देखो तूफान होता है वो इस तरीके से होता है आए मतलब उसके बीच में एकदम बीच में उसकी जो आंख होती है उसके बीच में मध्य में तो वो हमेशा विपत्तियों के बीच में होता है डिफिकल्ट सिचुएशंस के बीच में होता है ठीक तो है तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम मूविंग फ्रीली किसी को आजादी से घूमने से रोकना बचाव करना इन द मिडल ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन बिल्कुल सही शो फेवरेटिज्म समवन और समथिंग बिल्कुल गलत किसी के प्रति अपना आ, कि ये मेरा ज्यादा फेवरेट है मेरे को ज्यादा पसंद है वो चीज दिखाना बिल्कुल गलत तो मेक समवन सीन टू बी बैड पर्सन किसी को बुरा दिखाना होता है ना अपने खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को बुरा दिखाना शुरू कर दीजिए कई लोग इस कंसेप्ट में बिलीव करते हैं ठीक है तो ये पर यहाँ पे इन दी आई ऑफ स्ट्रॉम का मतलब तो ये नहीं है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट The documentary turned the spotlight spotlight on the low wages paid to manual workers. ki documentary ने spotlight किस तरफ कमा थी? spotlight स्पॉटलाइट मतलब मुख्य केंद्र आकर्षित किस तरफ किया कि उनका सबका ध्यान इस तरफ आ जाए ठीक है किस तरफ किया कि जो मैनुअल वर्कर्स हैं उनको कम तनखाए मिलती हैं ठीक है टू फोकस ऑन और ब्रिंग अटेंशन टू समन और समथिंग बिल्कुल सही ऑप्शन इज करेक्ट आगे भी देख ले तो टू चेंज बैलेंस ऑफ़ अ सिचुएशन किसी सिचुएशन का वो बैलेंस चेंज कर देना ठीक है कि अभी आपके और आपके भाई के बीच में लड़ाई है आपने उसकी कोई पोल खोल दी तो अब आप थोड़े से स्ट्रांग होते नजर आए आप मम्मी उसकी ज्यादा पिटाई करेंगी ठीक है सच दैट वन साइड और एलिमेंट इज फेवर्ड और गेंस एडवांटेज की इस तरीके से कि एक को ज्यादा फायदा मिले ठीक है ट्राई टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजली इन ऑर्डर टू हेल्प और इन्वोल्व दम ठीक है किसी ग्रुप लोगों की इस तरीके से उनसे बातचीत करना हो उनकी मदद करनी कि उनको भी अब इंक्लूड किया जा सके इन्वॉल्व किया जा सके हमारी चर्चा के विषय में बी इन्वॉल्व इन डिफिकल्ट सिचुएशन की परेशानियों में घुस जाना ठीक है तो इसका सीधा सा मतलब है टू फोकस ऑन और ब्रिंग अटेंशन टू समन और समथिंग ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग is इज synonym ऑफ bolster? Bolster का मतलब होता है स्ट्रोंग ठीक है मजबूत करना हमने पैसेज में मैंने आपको बताया कि उनकी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है विश्वास उनके ऊपर मजबूत करने का कोशिश की जा रही है ठीक है वीकन मतलब कमजोर करना स्ट्रेंथन मजबूत करना डिमिनिश कम करना घटा देना रिड्यूस कम करना घटा देना तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट Which of the following word is the antonym for calm in the given passage? Calm मतलब शांत ठीक है एकदम शांत स्थिर परेशानी आ रही है कोई बात नहीं कोई चिंता नहीं है आराम से निकलेंगे हंस के निकलेंगे मुस्कुराते हुए तो काम अब इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा अब कोई परेशानी है या आप एकदम से गुस्सा हो गए आप परेशान हो गए अरे अब क्या हो जाएगा आप पैनिक हो रहे हैं तो वो क्या हो गया काम का ऑपोजिट हो गया तो काम मतलब पीसफुल वो भी कामी है, एकदम काम ही मतलब, है एजिटेटेड मतलब गुस्सा हो जाना ठीक है भड़क जाना एकदम से परेशान हो जाना ट्रैंक्ल मतलब भी है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज दिन फॉर अनडूइंग इन द गिवन पैसेज अंडूंग जो पैसेज हमने पढ़ा है उसमें अनडूइ का सिनोनिम क्या दिया हुआ मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जो undoing का सिनेम है ठीक है मतलब उसके जैसा मिलता जुलता अब undo करना यानी कि किसी चीज को निष्कासित कर देना या किसी चीज को खत्म कर देना ठीक है यानी कि फेल हो गया वो सक्से अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं सक्सेस undoing का मतलब सक्सेस तो नहीं हो सकता ठीक है ट्रायम्फ भी नहीं हो सकता एक्म्प्लिशमेंट भी नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि ये तीनों चीजों का मतलब है पॉजिटिव वे में कि आपने कुछ अचीव करा है ठीक है आपने कुछ अच्छा किया है लेकिन अनडूइंग का मतलब यहाँ पे है नेगेटिव में कि आपने कुछ गलत किया है यानी कि आप फेल हुए हैं सो ऑप्शन सी फेलियर इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एन एंटोनिम फॉर इंसुलेटेड इन द पैसेज अब इंसुलेट मतलब बचाना ठीक है आपने um, आ, लोहे का कूलर लिया उसके ऊपर पेंट की कोटिंग कर दी ताकि उसको रस्ट से इंसुलेट किया जा सके यानी कि पानी जब उसमें डालेंगे कूलर में तो ऑब्वियसली पानी डालेंगे तो उससे जंग ना लग जाए एकदम से तो उसको इंसुलेट कर दिया लेकिन अगर मैंने कूलर को पेंट नहीं किया उसमें आ, आ, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं चढ़ाई तो वो क्या होगा एक्सपोज हो जाएगा किसके लिए पानी के लिए जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाएगा तो ऑपोजिट एंटोनिम क्या होता है एक्सपोज इंसुलेट मतलब प्रोटेक्टेड शील्डेड, सिक्योर्ड और ऑपोजिट होता है एक्सपोज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑप्शन बिलो दुड रिप्लेस दार्ट अंडरलाइन टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट इफ सेंटेंस इज करेक्ट एज गि चूज ऑप्शन ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड एज द आंसर ठीक है एक स्टेटमेंट दी हुई है इसमें ब्लैक से अंडरलाइन किया हुआ है अगर इसको हमने रिप्लेस करना हो इसमें अगर कोई गलती है तो क्या गलती है ऑप्शन दिए हुए हैं अगर कोई गलती नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है इट बींग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम मेरठ लास्ट नाइट बोले बहुत देर हो गई थी इस वजह से मनोज वापस नहीं आ सका मेरठ से पिछली रात को ठीक है अब देखो रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है तो बैक हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे अगर हम बात करते कुड नॉट कम बैक ठीक है यानी कि वापस नहीं आ सका अब कम बैक का ही डायरेक्ट मीनिंग रिटर्न होता है तो अगर या तो हम रिटर्न यूज करेंगे या फिर कम बैक यूज करेंगे ओके okay, रिटर्न के साथ में बैक तो यूज नहीं करेंगे ही कुड नॉट रिटर्नड बैक इनने इसका टेंस चेंज कर दिया है जो कि जरूरत नहीं थी बाकी सब सही है सिर्फ बैक हटाना है या फिर कम बैक लगाना है शुड नॉट बी रिटर्न बैक कि वो उसको आना ही नहीं चाहिए था ठीक है तो ये भी गलत है कैन नॉट बी रिटर्न बैक कुड नॉट की बजायन नॉट लिख दिया ये भी गलत है कुड नॉट रिटर्न बिल्कुल सही कुड नॉट रिटर्न होना चाहिए या फिर कुड नॉट कम बैक होना चाहिए ओके okay? दोनों ऑप्शन आपने देख लिए, किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अहमद वॉज प्राउड फॉर हिज अचीवमेंट्स अब देखो प्राउड ऑफ होता है फॉर तो नहीं होता है ना ये तो आपको भी पता है जनरल टर्म है यूज करने वाली ठीक है तो प्राउड फॉर नहीं अचीवमेंट्स के लिए आप प्राउड नहीं होते आप अचीवमेंट्स की वजह से आप अचीवमेंट्स को देख के प्राउड फील करते हैं ठीक है वर प्राउड फॉर इट अब अहमद है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर तो ही यूज होएगा वर कैसे यूज हो जाएगा तो ये तो गलत हो गया वर्स प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स ठीक है कि वो उसकी अचीवमेंट्स से बड़ा खुश था प्राउड था तो बिल्कुल सही है ये ट्वेंटी वन का बी होना चाहिए वॉज प्राउड ऑफ इट्स अब यहां ने यहां पे अहमद को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखा दिया इट्स कर दिया तो ऑब्जेक्ट नहीं है वो हिज ही आएगा ठीक है नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो ऑप्शन बी वॉज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स आएगा फाइंड आउट द एरर इफ एनी ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी अब आप अगर किसी को रीअेशोर या assure कर करें तो साथ में टू नहीं लगाएंगे ठीक है टू क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि आप उस इंसान को रीएश्योर कर रहे हैं मतलब री अपने आप में ही टू का भाव दे रहा है उसको आपको दोबारा से टू लगाने की जरूरत नहीं है रीएश्योर हिज बॉस ठीक है उसने अपने बॉस को रीएश्योर किया ओके okay? तो यहाँ पे ए में गलती है टू नहीं आएगा द कंपनी रिपोर्ट्स डिमांड फॉर देर कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग एवरी डे अब कंप्यूटर चाहे एक है चाहे हजार है लेकिन कमोडिटी तो एक ही है ठीक है कंपनी को वही बना रही है तो उन्होंने बोला कि हमारे कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ रही है तो आर क्यों आएगा हम एक कॉमन नाउन यूज करें ना कंप्यूटर्स तो इज ग्रोइंग एवरीडे कि हमारे कंप्यूटर्स की डिमांड रोज के रोज बढ़ रही है ठीक है वेन I saw the dress. I knew it was exactly what I had looked for. अब देखो उन्होंने ढूंढ रहा था पर वो जब तक उस ड्रेस को देख रहे थे तब तक भी उसको ढूंढ रहे थे ऐसा नहीं है कि उसके पहले उनकी ढूंढ खोज बंद हो गई थी ठीक है तो वट ये कंटिन्यूएशन में आना चाहिए ओके तो वट आई हैड looked फॉर के बजाय वट आई हैड बीन लुकिंग फॉर यानी कि अभी तक मैं ढूंढ रहा था इसको जब तक मैंने ये ड्रेस नहीं देखी थी तब तक मैं इसी ड्रेस को ढूंढ रहा था ओके फाइन, कॉल करूंगा बट आई कॉल यू नहीं आएगा आई विल जब मैं घर पहुंचूंगा तब कॉल करूंगा ना तो आई विल कॉल यू ओके यहाँ पे ऑप्शन बी में करेक्शन चाहिए था सो so, आज के सेशन में इतना ही इसकी पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ठीक है ऑडियो पैसेज का शीतल सोनी द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है ठीक है पहले ऑडियो पढ़िए उसके बाद पैसेज यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आइए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे <clears throat> इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं <clears throat> काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है ठीक है आप कहीं भी जा रहे हैं टहलते टहलते पढ़ना चाह रहे हैं अपने कॉलेज में बैठे हैं लेक्चर ऑफ है पढ़ना चाह रहे हैं उस टाइम पे आप अपना फ़ोन निकाल कर एट द मोमेंट एक जस्ट एक क्लिक के दूर पे आप पढ़ सकते हैं ठीक है और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कमी नहीं होनी चाहिए प्लीज़ भर भर के कीजिएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में